हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोगिया। आज हम करेंगे क्लास से सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन असाइनमेंट 6.2। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। थ्री वॉचेस आर परचेस्ड एट रुपीज 450 ईच। वन ऑफ देम इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। एट व्हाट प्राइस शुड द अदर टू बी सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन वॉचेस खरीदी 450 एक के हिसाब से, ठीक है। एक वॉच उसने उनमें से बेच दी 10% लॉस पर। वो क्या कह रहा है कि बाकी जो दो वॉचेस बची हैं उसको वो कितने रुपीज में सेल करे कि उसको होल ट्रांजेक्शन पे 20% प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक वॉच का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं पहले। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन वॉच कितने की थी, रुपीज 450, ठीक है। लॉस कितना हुआ 10%। 10% लॉस पे उसने एक वॉच को सेल कर दिया, ठीक है। तो लॉस इन रुपीज निकाल लेते हैं पहले। कैसे निकालते हैं, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 450। 450 पे 10% के हिसाब से कितना लॉस हुआ उसको, 10/100 × 450। ये जीरो इससे कट गई, ये जीरो इससे कट गई, कितने रुपीज लॉस हो गया, 45 रुपीज उसको लॉस हो गया, ठीक है। अब लॉस हमारा 45 है, 45 लॉस है और कॉस्ट प्राइस कितना है 450। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस और लॉस। अब आप बताओ कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, इंट्रो में आपको बताया था। तो यहां पर देखो लॉस कब होता है, जब सेलिंग प्राइस कम होता है। तो सेलिंग प्राइस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 450, इसमें से माइनस कर दिया हमने 45 रुपीज, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 405 रुपीज। तो एक वॉच उसने कितने रुपीज में सेल कर दी, 405 रुपीज, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि होल ट्रांजेक्शन मतलब पूरे लेन देन में उसको 20% प्रॉफिट हो जाए, तो वो जो बाकी दो वॉचेस उसके पास हैं वो कितने रुपीज में उनको सेल करे। तो हम पहले क्या करेंगे, तीनों वॉचेस का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। तीनों वॉचेस का सेलिंग प्राइस निकालने के बाद उसमें से जो फर्स्ट वॉच थी हमारे पास, इसका सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। तो देखते हैं इसमें, तो पहले निकाल लेते हैं सेलिंग कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ थ्री वॉचेस। पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे ना, कितना आया देखो, एक वॉच 450 की है तो तीन वॉच कितने की होगी, 450 × 3 कितने की होगी, 1350 रुपीज की तीनों वॉचेस हो गए, ठीक है, कॉस्ट अगेन की। अब पूरे ट्रांजेक्शन पे उसको कितने परसेंट प्रॉफिट चाहिए, 20%। तो टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए, 20% किस पे, 1350 पे, तीनों वॉचेस पे उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, 20%। होल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, तीनों वॉचेस पे, ठीक है। तो 20% प्रॉफिट के हिसाब से उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, 270 रुपीज उसको प्रॉफिट चाहिए तीनों वॉचेस के ऊपर, ठीक है। तो तीनों वॉचेस का हम यहां पे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ थ्री वॉचेस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तीनों वॉचेस का कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास, 1350 और प्रॉफिट कितना है, 270। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1620 रुपीज में उसे तीनों वॉचेस बेचनी चाहिए थी, तब उसको 20% प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो एक वॉच को 10% लॉस पर बेच चुका है, एक वॉच को 10% लॉस पे बेच चुका है। तो कितने रुपए सेलिंग प्राइस है उसका, 405। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टू वॉचेस का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, क्योंकि तीन वॉचेस का निकाला है ना, एक तो हम बेच चुके हैं तो दो ही बचेंगे, उनको ही हमें सेल करना, ठीक है। तो लेट्स सी क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ टू वॉचेस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ थ्री वॉचेस 1620 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ वन वॉच जो पहले हमने बेच दी थी, कितनी
कितने रुपए की बेची थी? 405 रुपीज की। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1250 रुपीज। ठीक है, हम रुपीज को चाहे आगे साइन लगा ले रुपीज का या पीछे हम ऐसे लगा दे, एक ही बात है। ठीक है, एक ही साइन लगा ले, दोनों मत लगाना। अब हम यहां क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ वन वॉच निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ? अब टू वॉचेस का सेलिंग प्राइस 1215 है, तो वन का कितना होगा? 1215/2 डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 607.50 रुपीज। ये हमारा क्या आंसर? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए सेलर सोल्ड 2004 रुपीज 900 ईच। ऑन वन ही गेन 10% एंड ऑन द अदर ही लॉस 10%। फाइंड हिज टोटल लॉस ऑफ गेन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक सेलर 900 रुपीज का एक ट्राउजर सेल करता है और वो दो ट्राउजर सेल करता है। ठीक है, एक के ऊपर उसे 10% गेन होता है और दूसरे के ऊपर उसको 10% लॉस हो जाता है। तो हमें क्या फाइंड करना है? उसका टोटल लॉस और गेन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट ट्राउजर कितना रुपीज? 900। प्रॉफिट कितना हुआ? गेन मीन्स कितना गेन हुआ? 10%। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10%। अब यहां पे सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया, हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगा देंगे, सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सेलिंग प्राइस कितना है? 900 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 10। कितना आ गया? 900 इनटू 100 अपॉन 110। जीरो से जीरो कट गई तो क्या आ जाएगा? 9000 अपॉन 11। 9000 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 8 88। 90 के नीचे 88 आ गए। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, 11 11 डिवाइड कर लेंगे हम, 818.18। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट ट्राउजर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं सेकेंड ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड ट्राउजर, दोनों ट्राउजर सेम ही रेट पर सेल किए हैं, 900। ठीक, तो सेकेंड पर उसे क्या हुआ है? 10% लॉस। लॉस कितना हुआ? 10%। ठीक है, इसका भी हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, हंड्रेड माइनस लॉस परसेंट। प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, नाइन हंड्रेड इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10। लॉस भी तो 10% हुए ना, तो 100 माइनस 10 90, कितना आ गया? रुपीज 1000। सेकेंड ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 1000। और फर्स्ट ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 18.18। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल के पता कर लेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। हम क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस CP1 CP2। कितना था CP1 हमारा? 818.18 रुपीज प्लस सेकेंड ट्राउजर का कितना है? 1000। तो टोटल कितना आ गया? 1818.18। ठीक है, तो
टोटल सेलिंग प्राइस कितना था? 1900 का है, तो दोनों ट्राउजर कितने के होंगे? 900 प्लस 900 कितना हो जाएगा? 1800 रुपीस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस 1800 है और जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस जो है वो 1818 है, सेलिंग प्राइस 1800 है, तो कौन बड़ा है? टोटल कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन टोटल सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तो हमें क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो लॉस का फॉर्मूला हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल सेलिंग प्राइस। तो 1818.18 माइनस 1800, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? रुपीज 18.18 ये आंसर आ गया। ठीक है, अब माइनस करके देख लो कितना ही आएगा। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टेबल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 3-4 बार रीड करो कि वो क्या कह रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टेबल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल्स, यही लाइन है इसमें मेन जिसको हमें पकड़ना है कि 10 टेबल्स कितने में सेल करी, जितने में उसने 8 टेबल्स को परचेज किया था। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस को लेट कर लेंगे। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल, मान लेते हैं 1 टेबल 1 रुपीज की उसने परचेज की, 1 रुपीज की 1 टेबल परचेज की। ठीक है, बने आप कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल्स, 8 टेबल्स कितने की परचेज करेगा? 1 × 8 8 रुपीज की परचेज करेगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 टेबल्स, 10 टेबल कितने रुपए की खरीदेगा? ₹10 10 टेबल 10 रुपए की खरीदेगा, 8 टेबल 8 रुपीज की खरीदेगा, 1 टेबल अगर वो 1 रुपीज की। अब वो क्या कह रहे हैं? सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टेबल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टेबल्स, 10 टेबल का सेलिंग प्राइस, 10 टेबल कितने में सेल करी उसने? कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल्स कितना था? 8 रुपीज। इसका मतलब उसने 10 टेबल 8 रुपए में सेल कर दी। समझे? सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टेबल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल। 8 जो टेबल थी वो कितने रुपीस की थी? 8 रुपए की। तो 10 टेबल कितने में सेल कर दी? 8 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 10 टेबल का? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 टेबल्स इज इक्वल टू 10 रुपीस, ये है ना? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 टेबल्स 10 रुपीस, 10 टेबल 10 रुपए में खरीदी थी और 10 टेबल 8 रुपए में बेच दी। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस 8 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 रुपीज था। जब सेलिंग प्राइस कम होता है हमारा, या यूं कह लो जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, तब हमें क्या होता है? लॉस। क्या होता है? लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितना हुआ? 10 - 8। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था? 10 रुपीज, सेलिंग प्राइस 8 रुपीज, तो कितना लॉस हो गया? ₹2। अब हमें क्या करना है? फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट, चाहे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, जो भी हुआ है उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो हमें लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकाल देंगे हम, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, चाहे आप प्रॉफिट परसेंट निकालो चाहे आप लॉस परसेंट निकालो, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगा और मल्टीप्लाई 100 आएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है? रुपीज कितना था? 10 रुपीज। 10 रुपए था ना 10 टेबल का कॉस्ट प्राइस। ध्यान से करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चन को ही समझते नहीं है, बस सीधे कहते हैं मैम आया ही नहीं। तो कितने परसेंट लॉस हो गया उसको? 20%। ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन क्या है, एक बाइसाइकिल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%, हैड इट बीन सोल्ड ₹100 मोर द गेन वुड हैव बीन 20%, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बाइसाइकिल। एक बाइसाइकिल है जो भी कह लो, उसके ऊपर 16% गेन होता है, मतलब प्रॉफिट 16% होता है। अब वो क्या कह रहा है, हैड इट बीन सोल्ड ₹100 मोर, यदि उसे 100 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, द गेन वुड हैव बीन 20%, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 20% हो जाता। अब यहाँ पे दो प्रॉफिट है, 16% प्रॉफिट है और 20% प्रॉफिट है, ठीक है। और दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है, 100। वो क्या कह रहा है, यदि उसे 100 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तब उसे 20% प्रॉफिट हो जाता। इसका मतलब दो सेलिंग प्राइस है, दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 रुपीज। क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल। तो हम यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल या बाइसाइकिल ₹100 मान लेते हैं। बाइसाइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 रुपीज है, ठीक है। इन फर्स्ट केस में उसको प्रॉफिट कितना होता है, 16%। प्रॉफिट इज इक्वल टू 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज। प्रॉफिट इन रुपीज निकाल लिया हमने, 16 रुपीज का प्रॉफिट होता है उसको फर्स्ट केस में, मीन 16% प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अब हम यहां से क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस 1, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 16 कितना आ गया ₹116। फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 116, ये जब हम लेट करके चल रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या है कि अगर उसको प्रॉफिट 20% है तब उसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस तो उतना ही रहेगा। क्या लिखोगे, सेकंड केस कॉस्ट प्राइस तुम्हारा उतना ही है ₹100 जो हमने लेट किए, ठीक है। प्रॉफिट कितने सेकेंड केस में, 20%, तो 20% ऑफ 100 कितना हो गया, 20/100 इंटू 100 मीन्स ₹20 प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस 2 कितना हो गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 20, ₹120 उसका सेलिंग प्राइस हो गया सेकेंड केस में, जब उसको प्रॉफिट 20% होता है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों सेलिंग प्राइस का, डिफरेंस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस 2 माइनस सेलिंग प्राइस 1, 120 माइनस 116 कितना डिफरेंस हो गया, ₹4 का, ठीक है। अब एक्चुअल जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा, 100 रुपीज। कहता है हैड इट बीन सोल्ड ₹100 मोर, यदि उसे 100 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, मतलब जो डिफरेंस है दोनों सेलिंग प्राइस का एक्चुअल वो कितना है, 100। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, अब कैसे करेंगे, इफ डिफरेंस इज ₹4 देन कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल कितना था, ₹100, ये माना हुआ था ना, सब कुछ लेट किया हुआ था। यदि डिफरेंस हमारा 4 रुपीज है तब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपीज। इफ डिफरेंस इज ₹1 देन कॉस्ट प्राइस 100/4। अब एक्चुअल जो डिफरेंस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 100 है, कितना है, 100। इफ डिफरेंस इज ₹100 देन कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल कितना आएगा, 100/4 × 100, ठीक है। 1 का निकाला है, 4 से डिवाइड किया, 100 का निकाला तो मल्टीप्लाई किया। अब काट देंगे इसको, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ₹2500। तो ये क्या आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल कितना आ गया, ₹2500, ठीक है। ऐसे ये हमारा आंसर।